शरीर लिखित में दे दीजिए। पहली बात, भाजपा नकारात्मक पार्टी है, 18 साल तो राज में रहे और 10 साल डबल इंजन, तो परिवर्तन होता क्यों है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में होने जा रही शिक्षक भर्ती को लेकर साफ साफ जवाब दिया। जवाब किसे दिया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना जानते हैं कि बीपीएससी ने अब जो है बिहार में 1,70,761 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर वैकेंसी निकाल दी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख भी जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की तारीख आपको पता है, 15 जून से 12 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो प्रक्रिया बीच में बाधाएं आ रही थी उस बाधाओं को अब सुलझा लिया गया और आखिरकार जो है बड़ा इंतजार खत्म हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव से जब इस मसले पर सवाल पूछा गया बीजेपी को लेकर के, तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। बीजेपी के द्वारा बोला गया है, जो शिक्षक की बहाली निकाली गई है उसका मैंने जो है, बीजेपी तो नकारात्मक लोग है ना, सुनिए जवाब दे दीजिए। अरे भाई, पहले इनको जवाब आपको शरीर लिखित में दे दीजिए, बोल लेने दीजिए। अरे भाई, आप बोलने तो दो। पहली बात, भाजपा नकारात्मक पार्टी है, भाजपा वाले लोगों की चिंता नहीं है, ना अस्पताल की चिंता है, ना स्कूल की चिंता है, ना कॉलेज की चिंता है, ना लोगों को नौकरी मिले इसकी चिंता है। अगर चिंता होती तो 18 साल में डबल इंजन की सरकार रही, 10 साल जिसमें 18 साल तो राज में रहे और 10 साल डबल इंजन, तो परिवर्तन होता क्यों हो? तो सुना आपने, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बोल रहे थे। और देखिए, तेजस्वी यादव पहुंचे थे पटना के एक बड़े अस्पताल का निरीक्षण करने और इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती जो होने जा रही है उसे लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इसका विरोध करती नजर आ रही है, तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ जवाब दिया कि देखिए ये नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जब इस सरकार में थे, इससे पहले वो सरकार में थे, तो उनके ही पार्टी के नेता जो हैं इस विभाग के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री की ओर बात कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, वो मंगल पांडे की ओर इशारा कर रहे थे जो कि पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में लेकिन हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने फुल एंड फाइनल जवाब दिया है और इसे लेकर उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन बीजेपी को जरूर निशाने पर ले लिया और कहा कि ये लोग नकारात्मक लोग हैं और इनका काम ही है हर चीज में नकारात्मकता को ढूंढ लेना। बहरहाल, बिहार में लाखों शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, वैसे लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो इस बार अपना मौका तलाश रहे हैं, तो वहीं बिहार में एक तरफ ऐसा भी तबका है शिक्षकों का जो इसके विरोध में खड़ा है और लगातार सरकार के खिलाफत कर रहा है, कह रहा है कि हम लड़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे और लड़ करके अपना अधिकार लेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के इस बयान से साफ हो चला है कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और बिहार में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो तारीख मुकर्रर की गई है, जो आवेदन की तारीख आमंत्रित की गई है, वैसे ही सब कुछ चलेगा और बिहार में विरोध करने वालों को, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, बिहार में विपक्ष के नेता हो, सभी को तेजस्वी यादव ने अपनी भाषा में जवाब दे दिया। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।